Hello students, today we are going to discuss about chemistry class 9th, is matter around us pure? So, first of all, we have to know what is a matter. Student, आप पहले वीडियो में ये जान चुके हैं कि matter क्या है. Anything which occupies a space and has mass is called matter. An example of matter is soil, sugar, sand, salt, water, aluminium, iron, paper, etc. आप स्टूडेंट जितने भी सब्सटेंस देख रहे हैं आसपास में, जैसे हम सॉइल को देख रहे हैं स्टूडेंट, ये सॉइल है, तो सॉइल इज ए मैटर. स्टूडेंट दूसरा हम ये देख रहे हैं शुगर, शुगर क्या है? मैटर है. फिर हम देखते हैं चॉक पाउडर, चॉक पाउडर क्या है? मैटर है. यहाँ हम देखते हैं एल्युमिनियम. स्टूडेंट ये देखिए एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम का ये रॉड है, तो एल्युमिनियम क्या है? ये मैटर है. ये हमारे पास जो आप मार्कर देख रहे हैं जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये मार्कर भी क्या है? एक मैटर है. तो ये मैटर स्टूडेंट हम लोग पहले वीडियो में ये समझ चुके हैं, लेकिन आज हम लोगों को समझना है टाइप्स ऑफ मैटर. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज ऑफ्टन टू टाइप्स. केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को दो भागों में बांटा गया है. यहां से हम मैटर को दो भागों में बांटते हैं. एक पार्ट है इसको कहते हैं प्योर, प्योर सब्सटेंस, और सेकंड जो है उसे कहते हैं इम्प्योर. इम्प्योर को मिक्सचर भी कहा जाता है. तो इस तरह यह मैटर जो है ये दो तरह के है, प्योर और इम्प्योर. तो स्टूडेंट यहां हम लोगों को ये देखना है कि प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय ये प्योर सब्सटेंस? तो स्टूडेंट आप यहां देख रहे हैं मेरे इस ग्लास में शुगर है, ये शुगर है, ये आप देख सकते हैं. तो ये शुगर है तो ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. तो प्योर सब्सटेंस का मतलब हुआ ये प्योर सब्सटेंस इज वन व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. प्योर सब्सटेंस वह सब्सटेंस है जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है. जैसे स्टूडेंट ये शुगर आप देख रहे हैं, तो ये शुगर के पार्टिकल्स हैं और ये सभी शुगर के पार्टिकल्स एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं. दूसरा एग्जाम्पल हम रख लेते हैं स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम का पीस आप देख रहे हैं. तो ये एल्युमिनियम एक एलिमेंट है स्टूडेंट, हम एलिमेंट भी जानेंगे एलिमेंट क्या है इसके बाद वीडियो में. मैं आप लोगों को एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में मैं बताऊंगा. अभी मैं ये एलिमेंट बता रहा हूँ कि ये एलिमेंट है एल्युमिनियम है. तो एल्युमिनियम ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, टीनी टीनी पार्टिकल्स हैं, और ये जितने पार्टिकल्स हैं ऑल्स आर सेम, सभी पार्टिकल्स इसमें सेम हैं. पार्टिकल मीन्स मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल मीन्स एटम भी हो सकता है. तो इसके जितने एटम्स हैं सभी एटम्स एक जैसे हैं, यानी ऑल एटम्स आर सेम, इसलिए यह प्योर है. दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, मेरे पास ये आयरन रॉड है, ये आयरन है, आयरन भी क्या है? एक एलिमेंट है. तो यह भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. इसमें छोटे 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 पार्टिकल से ये बना हुआ है, और इसके जितने पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल सेम हैं, इसलिए यह भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है. इस तरह हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में समझे कि प्योर सब्सटेंस क्या है. ये प्योर सब्सटेंस इज वन
विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वैसे सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मैं समझता हूँ कि प्योर सब्सटेंस आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट, मैं आता हूँ अब इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस? तो इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ए मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहा जाता है। ए सब्सटेंस कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एन इम्प्योर सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वह इम्प्योर सब्सटेंस होता है। स्टूडेंट, आप यहां देख सकते हैं, ये मेरे पास सॉइल है। आप इस सॉइल को समझ सकते हैं, सॉइल जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस है। मैं इसे इस स्पून में लेकर दिखाता हूं, ये सॉइल जो है, तो सॉइल जो है इसमें सॉइल के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, मे बी क्ले पार्टिकल्स, ह्यूमस, सैंड, ग्रेवल्स एंड स्मॉल पीसेस ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो प्रजेंट। डैट मीन्स सॉइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। डैट मीन्स सॉइल इज ए मिक्सचर। सॉइल जो है क्या है? यह मिक्सचर है। सॉइल ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस मैं यहां पर आपको बताता हूं, जैसे ये मिक्सचर को हम दूसरा एक एग्जाम्पल में लेता हूं। जैसे हम यहां से क्या करते हैं कि मैं यहां से वन स्पून सॉइल ले लिया, ये वन स्पून सॉइल है, और वन स्पून चॉक पाउडर में ले लेता हूं और इस दोनों को मिला देता हूं। तो स्टूडेंट, आप देखिए कि ये जो है एक इम्प्योर सब्सटेंस बन गया। यह एक इम्प्योर सब्सटेंस है। अभी ये मिक्सचर है, और किस चीज का मिक्सचर है? तो सॉइल और चॉक पाउडर। तो सॉइल और चॉक पाउडर का मिक्सचर है, तो इसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। क्यों कहेंगे इम्प्योर? स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें सॉइल भी है और चॉक भी है, और सॉइल ऑलरेडी इम्प्योर सब्सटेंस है। अभी हम लोग देखें कि सॉइल में बहुत तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। सॉइल के अंदर क्ले पार्टिकल्स हो सकते हैं, सॉइल के अंदर ह्यूमस हो सकता है, सॉइल के अंदर सैंड हो सकता है, ग्रेवल्स हो सकता है। तो ये सभी सब्सटेंस मिलकर और फिर सॉइल और चॉक पाउडर दोनों को एक साथ में मिला दिया, तो यह मिक्सचर बन गया। तो इस तरह आज हम लोग प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।